पीलीभीत में किसानों ने किया चक्का जाम, मंडी गेट पर किसानों ने दिया धरना, माधुटांडा रोड पर लगाया जाम। पीलीभीत में वायरल हुआ बीजेपी विधायक किशनलाल राजपूत का ऑडियो, ऑडियो वायरल होने से बीजेपी में मचा हड़कंप, वायरल ऑडियो में हुई चुनाव से संबंधित बातचीत। सुल्तानपुर में मनाई गई महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, तमाम अधिकारियों ने गाया राष्ट्रगान, डीएम ने किया गांधी शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण। देश में फिर बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 24 घंटों में मिले 24,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस, कोरोना से हुई 234 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण, रुख करेंगे खबरों का। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के महिला सम्मेलन में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री लीलावती कुशवाहा ने बीजेपी सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई और 2022 में रही समाजवादी सरकार अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया है, बीजेपी सरकार ने महिलाओं से उनका निवाला छीन लिया, महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ दिया है, सिलेंडर 1,000 के पास आ गया है, अब महिलाएं ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी और बीजेपी के लोग जब घरों में वोट मांगने जाएंगे तो महिलाएं इनको बेलन लेकर दौड़ेंगी। वोट मांगने आएंगे तो वही महिलाएं बेलन दिखाएंगी, तुमने चौका का किचन का हमारे संतुलन बिगाड़ दिया महंगाई बढ़ा करके, उनका यही एक ही रास्ता है और तब उनको समझ में आएगा कि महंगाई किस कदर है। उन लोगों से पूछिए जिनकी नौकरी भी नहीं है, जिनका खेत भी नहीं है, जिनका घर भी नहीं है, उनको 1,000 का अब सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है तो वो कैसे खरीदते होंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी जीती होगी। इसलिए मैंने बेलन की बात किया है कि जब वो आए तो वही बेलन दिखाना ताकि घर का संतुलन महंगाई के कारण हमारा बिगड़ा हुआ है। पीलीभीत में पूरनपुर मंडी समिति गेट पर किसानों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से मंडी समिति में क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक किसान अपने धान बेचने के लिए मंडी पहुंचा जहां उसका धान मानक के अनुसार ना बताकर खाद विभाग के सेंटर से वापस कर दिया गया। इस दौरान किसान कुलदीप ने कई किसान साथियों को जानकारी दी, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने मंडी समिति गेट पर ही चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की पर कोई भी निर्णय नहीं निकल सका। फिलहाल किसान अब भी माधवटांडा रोड पर जाम लगाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, मंडी गेट पर किसानों का ये धरना अब भी जारी है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी गेट पर किसान कल से बैठे हुए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे। सुबह से किसान ट्रॉलियां लेके आए थे, जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि आज 1 अक्टूबर से धान की खरीद स्टार्ट हुई है, तो सूखे धान को लेके आए थे किसान और उसमें सबसे पहले उसमें डस्टर लगवाया गया। पहले तो खरीदने की मंशा ही नहीं थी, पहले तो उन्होंने उनको गुमराह किया गया कि अभी देखते हैं, अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है। जैसे मेरे को जानकारी हुई तो मैंने एसडीएम साहब को सूचित किया तो उन्होंने कहा कि अभी व्यवस्था करवा दी जाएगी डस्टर की और जो बिजली वगैरह के बोर्ड है तत्काल सही करवाए गए और डस्टर लगवाया गया। उसके पश्चात जब डस्टर लग गया धान में तो तोलने का समय आया तो उसका एनालिसिस करने लग पड़े, उस धान को रिजेक्ट कर दिया गया। धान बहुत अच्छा था, नमी उसकी 15% थी, सरकार ने जो नमी का एक परसेंटेज तय किया हुआ वो 17% नमी का धान लिया जा रहा है, लेकिन जो किसान लेके आया था वो 15% का था, उस धान को रिजेक्ट कर दिया गया जो कि बहुत अच्छा था। अब उसका कारण पूछा गया तो कह रहे हैं इसमें चावल है, देखा गया तो उसमें चावल भी नहीं है। अब उन्होंने अब एसडीएम साहब मौके पे जब धरना लग गया है मंडी गेट के सामने, किसान इकट्ठे होकर बैठ गए, चक्का जाम कर दिया है, माधवटांडा रोड जाम है, तो एसडीएम साहब पहुंचे, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस धान को कल 5 व्यक्तियों की एक टीम बनाकर उस धान को चेक करके और तोल दिया जाएगा। जी, जो सरकार कह रही है, दावा कर रही है किसानों का फसल खरीदने के लिए कि हम किसानों को भली भांति उनका जो समर्थन मूल्य देंगे, आज पहले दिन ही उसका चेहरा नंगा हो गया। पहले बात तो उनके पास बारदाना मौजूद नहीं था, जब बारदाना उपलब्ध हुआ तो उनकी मशीनें काम नहीं कर रही। क्या और कह रहे हैं कि हमारी मशीनों में काम चल रहा है, उनका काम
सही किया जा रहा है और उसके बारे में जो देखिए सोने जैसा धान जो रिजेक्ट कर दिया, अगर जय जान धान नहीं तुलेगा तो ऐसा कौन सा अडानी ने मोदी के हाथ में जो सैंपल भिजवाया वो यहाँ पे टंगवा दिया जाए, किसान देख ले कि इससे मैच करता है तो अंदर जाए, अगर उस धान से मैच नहीं करता तो हम लोग अपना वापिस ले जाए। पर अगर जिस सरकार की मंशा है कि किसान ऐसा करेंगे उनके सैंपल के बराबर में सैंपल ला के तुलवाएंगे नहीं, जय जो धान यहाँ किसान ने पैदा किया है 50 किलो की टंकी अपने कंधों पर उठाकर घुटनों के बल चला है खेतों में। पीलीभीत में बीजेपी बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत का एक ऑडियो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वायरल हो गया, जिसके बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में बीजेपी बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत न्यूरिया के किसी युवक से फोन पर बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं और बरखेड़ा विधानसभा से किसी बीएसपी के प्रत्याशी को जिताने और स्वामी प्रवक्तानंद बाबा को फर्जी और ढोंगी बाबा कहते सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस से कोई सरदार प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ रहा है। ये ऑडियो 3 मिनट 46 सेकंड का है। इस वायरल ऑडियो में चुनाव से संबंधित बात होना सुनाई दे रहा है। इलेक्शन की सब तैयारी करा रहे हैं 4-5 दिन में। कराओ 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 कराओ। उसके बाद 9 तारीख का जो है लखनऊ का प्रोग्राम। कौन है, क्या नाम बताया था? अरे आप तो है आए मैरिज हॉल में, मीटिंग करी नहीं थी उन्हें। अच्छा, क्या नाम उनका जो आ रहे हैं बसपा से? फरीद अहमद साने गुल के। हबीब अहमद? फरीद। अच्छा फरीद अहमद कहाँ के हैं ये? अरे नूरिया के हैं। नूरिया के? हाँ, बहुत बड़ा खानदान है इनका। है? बहुत बड़ा खानदान है, हाजी रियाज अहमद के सबके दामाद हैं ये। अच्छा। हाँ, लड़की इसी की आई इसी। तो कह दो उनसे जीतोगे इस बार? कह दो, लड़ा रहे पूरी साल है साथ। अच्छा फरीद अहमद। हाँ। अच्छा डीपी भारती भाई साहब से बात होती रहती है? हाँ बात होती रहती। अच्छा अगर मिलना चाहो। हाँ। तो पीलीभीत आए हुए हैं वो? कब हैं इनके लिए? अभी मैं उन्हीं के पास बैठा था जब आपका फोन आ रहा था। अरे तो मुझे बताए थे, वो तो मुझसे बात कर लेते। तो कल उनसे मिल लेना, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में है। कल ही चलो, कल ही मुलाकात हो जाएगी। हाँ कल तो दो बजे से 11 बजे तक तो रहेंगे, 11-12 तक। आपके बारे में विशेष मैंने वो कहीं ध्यान रखें आप हमारे की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो बाबा भी पीछे पीछे घूम रहे हैं, बाबा से बाबा के बारे में बता दी भारती आदमी है। अरे बाबा बाबा सारा चल जाए, भारती जी हमारे सामने जो तो सिर भी पागल है वो तो। हाँ तो मिल लिया उनसे कल? अच्छा हाँ, कल मैं सुबह गाड़ी मार रहा हूँ। हाँ मार दे, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रांजल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रांजल, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है बीजेपी नेता का, इस ऑडियो में क्या कुछ क्लियर होता हुआ सुनाई देता है? जी आपको बताना चाहिए, पूरा मामला बरखेड़ा विधानसभा का है, जहाँ पे जो मौजूदा भाजपा विधायक है वो किशनलाल राजपूत है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर में जो ये वहां से जीत करके विधायक बने थे, अब इस बार जो है विधानसभा बरखेड़ा विधानसभा की बात की जाए तो इस बार जो है इनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है और जो स्वामी प्रवक्तानंद है उनका जो है बीजेपी से टिकट होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जैसी इनको जानकारी हुई और वहां से जो कोई मीडिया से कोई प्रत्याशी है जो निकल करके बरखेड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा जो बसपा कैंडिडेट बताए जा रहे हैं उसको लेके उसको जिताने की बात यहाँ पर की जा रही है, लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही है और कोई कांग्रेस पार्टी से जो है एक हाथ का पंजे यानी कांग्रेस पार्टी से कोई सरदार प्रत्याशी जो निकल करके सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को हराने की यहाँ पे साजिश रखी जा रही है पूरा मामला। यानी प्रांजलि कहा जा सकता है कि बीजेपी के ही नेता हैं और बीजेपी में ही लगातार फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, इसमें यही कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो नेता है विधायक है वो बीजेपी में फूट डालने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को यहाँ पे हराने की बात की जा रही है, हराने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल प्रांजल, तो इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया है आलाकमान द्वारा? अभी फिलहाल इस तरीके का कोई जानकारी अपडेट नहीं हो पाई है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये अंदर की बात है, अभी आने वाले वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किशनलाल राजपूत विधायक बताए जा रहे हैं जिनका एक ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। है तो ये बीजेपी के नेता लेकिन बीएसपी किसी प्रत्याशी को जिताने का ये दावा करते हुए सुनाई दे सकते हैं, ऑडियो भी हमने आपको सुनाया है।
लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले पर आलाकमान द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। सुल्तानपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में तिरंगा फहराकर सलामी दी, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने गांधी जी और शास्त्री जी के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर अपने अपने विचार रखे और कहा कि सभी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों का जीवन भर पालन करना चाहिए। इसके साथ ही गांधी जयंती पर स्कूली बच्चों ने भी रैलियां निकाली। सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम रखा गया। छोटे छोटे स्कूली बच्चे यहाँ पर कई कार्यक्रम पेश करते हुए नजर आए हैं। एक खास रैली भी यहाँ पर निकाली गई। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन और तमाम पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया के निर्देशन में बरही के नए थाना भवन में नगर और ग्रामीण क्षेत्र के डीजे साउंड सर्विस संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी बरही संदीप अयाची नायाब, तहसीलदार चंद्रपाल इन बाती की तरफ से डीजे संचालकों को साउंड सिस्टम के लिए शासन से जारी गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। बैठक में मौजूदा डीजे संचालकों को थाना की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें दर्शाया गया है कि दुर्गा उत्सव कार्यक्रम में डीजे साउंड पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। इसके अलावा रात में 10 बजे के बाद स्पीकर भी नहीं बज पाएंगे। आदेश का पालन न होने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज नवीन थाना भवन बरही में सभी बरही के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी डीजे प्रबंधकों की मीटिंग ली गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को बताया गया है कि जो आने वाला त्यौहार है, दुर्गा उत्सव का त्यौहार है, उसमें डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोरोना गाइडलाइन के तहत भी डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। मात्र एक साउंड बॉक्स रात में चलाने के संबंध में बताया गया है, जो कि 10 बजे के बाद वह भी अवैधानिक रहेगा। धारा 144 समस्त एरिए में लगी हुई है। दुर्गोत्सव त्यौहार मनाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने के लिए किसी प्रकार से डीजे संचालकों पर कोई अपराध की स्थिति न बने, इस समय त्यौहार के पूर्व ही उन सभी को सचेत किया गया और बताया गया कि आप डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रखें। मुजफ्फरनगर में 11 अक्टूबर को आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी आएंगे, जिसको लेकर आरएलडी के पूर्व मंत्री युवराज सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क किया और इसी दौरान करसेवा गांव में पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री युवराज सिंह ने करसेवा गांव पहुंचने से लोगों से चौधरी जयंत सिंह की सभा पहुँचने का ग्रामीणों से आह्वान किया है। तो वहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करते हुए सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए और जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। दो हजार बाईस के विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। लगातार तमाम जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो तमाम नए कृषि कानून के मुद्दे हों, लगातार जनता को उनके कहीं ना कहीं लाभ हानि गिना रहे हैं और वहीं जो चुनाव का माहौल है उसे कहीं ना कहीं बदलने में लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी के पूर्व मंत्री रहे हैं योगराज सिंह, उनसे बात करते हैं 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जयंत चौधरी भी आने वाले हैं, तो किस तरह का माहौल है। 2022 काफ़ी नज़दीक है, लगातार तमाम जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लगातार मतलब कहने के जनता के बीच जाकर वोटों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, तो किस तरह का माहौल लग रहा है और क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा। देखिए 2022 जो है अभी विधानसभा चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी हैं, उनमें गठबंधन का प्रयास जारी है, होने वाला है, लगभग हो चुका। तो यहाँ जो जनता है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ आप देखिए किसानों को उनका गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, बिजली का दाम देखिए आप, बिजली के दाम कहाँ जा चुके, डीजल का क्या भाव है, पेट्रोल का भाव क्या है,
बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के पास किसान के पास पैसे नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है तमाम 36 कौम बीजेपी के खिलाफ है और सर्व समाज जुड़ के जो है 2022 में इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य तमाम जो गन्नों की दरों को लेकर बात हो या तमाम अन्य किसानों के मुद्दों को लेकर हो, तो ये तो लगातार आरएलडी उठा रही है। इससे अलग क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच मतलब जाकर बताए जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की नाकामियां हैं जिनसे लगता है कि सरकार इस बार कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होगा, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो झूठ की है, सरकार हर बात में झूठ बोलती है। 22 साल का लड़का 29 साल का हो गया, उसे नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कहाँ जाएंगे युवा? इनका भविष्य जो है चौपट हो चुका। 29 साल का लड़का उसका जो है उसको अब एहसास हुआ कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य कहाँ जाएगा? इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। पश्चिम यूपी के किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो गन्ने का दाम है 4 साल पहले भी यही था, इस साल चुनाव है तो इनको दिखाई दिया कि 25 रुपये बढ़ाने चाहिए। जब भी पहले गवर्नमेंट रही जिस सरकार में मंत्री में रहा हूँ उसमें 125 रुपये से 250 हो गया था 5 साल के अंदर, जब पहले हो सकते थे, अब क्यों नहीं बढ़ सकते गन्ने के दाम? वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस आने वाले त्योहारों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर लगातार अलग अलग जगहों पर आला अधिकारियों के साथ पैदल मार्च कर रही है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली मार्केटों में चेकिंग अभियान चला के कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की भी अपील की जा रही है। पुलिस चेकिंग अभियान को 3 भागों में चला रही है जिससे लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सके। साथ ही पुलिस लोगों से ये भी अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर संदेह होने पर पुलिस को सूचना जरूर दें और कोविड के नियमों का पालन करते रहें। नोएडा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, इसको लेकर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट है वहां पर भी जा रही है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अगले वीक से एक काफी लंबा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है और जैसा कि होता है कि फेस्टिवल सीजन में मार्केट्स में भीड़ भाड़ काफी बढ़ जाती है और क्रिमिनल एलिमेंट्स के एक्टिव रहने का काफ़ी चांस रहता है, उसके चलते पूरे जनपद में ही काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है। सीपी सर के निर्देशानुसार 3 भाग में ये चेकिंग आज की जा रही है। पहली कि जितने भी 2-व्हीलर्स हैं उनको काफ़ी डीपली चेक किया जा रहा है कि वो कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स तो नहीं है, कोई चोरी की बाइक तो नहीं है या किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे डार्क जोन्स हैं जहाँ पर लोग जाने से शाम के बाद कतराते हैं या महिलाएं जाने में कतराती हैं, वहाँ हम महिला फोर्स के साथ एक रेगुलर पेट्रोलिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो नई चीज़ स्टार्ट हुई है वो है कि जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहाँ पर फुट पेट्रोलिंग बड़ी पेयर में स्टार्ट की गई है जिससे कि एक ह्यूमन टच इस्टेब्लिश किया जा सके। जो भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स हैं जैसे अट्टा मार्केट है या जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं जहां ज़्यादातर महिलाएं घरेलू सामान खरीदने जाती हैं, वहां पर बड़ी पैर में फूड पेट्रोलिंग स्टार्ट की गई है जिससे कि एक संवाद स्थापित किया जा सके जो मार्केट में लोग आते हैं उनके साथ। मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर में देर रात अज्ञात चोरों की तरफ से आधा दर्जन दुकानों के शटर तोड़कर सेंध लगाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वह इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द खुलासे की बात कही है। ज्यादातर मोबाइल की दुकानों को अज्ञात चोरों की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो मुजफ्फरनगर में चोरों का आतंक लगातार बरकरार है। चोरों ने आधा दर्जन दुकानों में सेंधमारी की है, लाखों का सामान चोरी किया। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर और अच्छी शिक्षा को लेकर लाख दावे करती हो लेकिन उसके बाद भी कुछ शिक्षक ऐसे करतूतों को अंजाम देते हैं जो शिक्षक जैसे सम्मानीय पेशे को शर्मसार करता है। ऐसे एक मामला हरदोई जिले में सामने आया जहां एक बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ने घर में हुई लड़ाई के बाद स्कूल के कमरे को ही अपना आशियाना बना लिया और यही नहीं स्कूल के कमरे में अपना बेड और जरूरी सामान भी रख लिया। इसके अलावा शिक्षक पर स्कूल के कमरे में शराब पीने का भी आरोप है। शिक्षक के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई है।
मेरे भी संज्ञान में आया है, एक माधवगंज में महिमपुर प्राथमिक विद्यालय में का वीडियो है। प्रथम दृष्टया खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच किया, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अवगत कराया है, उसके क्रम में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कि क्या जानकारी मिली थी आपको कि क्या वहाँ पर? खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार जो हेडमास्टर है परिवार से झगड़ा करके दो तीन दिन के लिए विद्यालय में आकर रहने आया था। आगे जांच करने के पश्चात ही और जा कर शराब की शीशियाँ वगैरह भी मिली हैं। अब ये जांच में आएगा, देखा जाएगा। बाराबंकी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की शुगर मिल सोमैया नगर को बीएसपी सरकार में कौड़ियों के भाव बेचे जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ईडीओ प्रशासन की टीम ने मिल को सील कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मिल की संपत्ति की जितनी स्टाम्प ड्यूटी बनती थी उसके आधे से कम में नीलामी करने का मामला पकड़ में आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस सेशन कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी कड़ी में बाराबंकी पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुगर मिल की सीलिंग कर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला जहां पर ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस मिल को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया था, तो ऐसे में लगातार जानकारी मिल रही थी, जिसको लेकर अब ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। शुगर मिल को अपने कब्जे में लेकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हम यहाँ 86 से 98 जब तक बंद हुई है तब तक 12 साल बाद। कब ये चीनी मिल कब बंद हुई? January 1998। अच्छा, फिर उसके बाद प्रयास नहीं किए गए क्या? चला नहीं, प्रयास किया गया था। हाँ। उस समय की कल्याण सिंह की सरकार थी, ओम प्रकाश सिंह गन्ना मंत्री थे। हाँ। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तो केंद्र से इसको दोबारा चलाने के लिए आदेश हुआ था उसी साल। हाँ। क्योंकि उस समय सोशल इंजीनियरिंग का बहुत दबाव था। हाँ। और गन्ना मंत्री जिस क्षेत्र में मिर्जापुर के थे वहाँ गन्ना होता नहीं था, तो अटल जी की भी बात वो नहीं माने और फिर मिल को स्थायी रूप से बंद भी कर दिया। फिर ये बिक गई? बिकी है ये 2011 में। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या जब से क्या कर रहे हैं? उस समय DRS का ऑप्शन दिया गया था और ये कहा गया था कि सदन में तो ओम प्रकाश सिंह ने कहा था कि हम इनको बैठा के तनख्वाह देंगे, लेकिन बाद में DRS लागू किया गया, जो कम सर्विस वाले थे उनको उसमें कुछ मिलना नहीं था, तो वो DRS नहीं लिए, तो वही मुकदमा लड़के अभी यहाँ रहे। अब मतलब जब ये बंद हुई थी, बिक गई थी, तो आप लोगों को क्या लगा था? हम लोग को मुकदमे में थे कि ये तो गलत था, इसलिए जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करके कॉरपोरेशन का गठन किया था। 3 जुलाई 1971 को एक बिल पास हुआ था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश मिला कि हम लोग ईडी की टीम को सहयोग करें। ये प्रकरण काफ़ी पुराना है और जो नीलामी हुई थी शुगर मिल की, वो जांच के दायरे में है। इस क्रम में जो प्रवर्तन विभाग है और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंतर्गत ये न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी आ गई है और जांच के घेरे में भी है। आज ईडी की टीम इस उद्देश्य से आई है कि इस पूरी संपत्ति को वो सील करें और अपनी कस्टडी में लें, ताकि इस संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, और जब तक जांच और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तब तक यह संपत्ति सुरक्षित रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।